अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल लास्ट टू सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 2.9 एंड 2.10। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल में हमारे 2.9, तो 2.9 में वो कहता है कि एक ट्रेन है, उसकी ना स्पीड होती है, वो स्पीड से वो मूव कर रही है और 96 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, तो गिवन हमारे पास है जी एक वेलोसिटी है ट्रेन की वी। अब ये इनिशियल है या फाइनल है हम बाद में बात करते हैं। वो कहते हैं 96 किलोमीटर पर आर के स्पीड के साथ एक ट्रेन मूव कर रही है। अभी हमें नहीं पता ये इनिशियल है वेलोसिटी है फाइनल है, हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले हम 96 को कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आर की बजाय मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 96 मल्टीप्लाई किलो हमें नहीं चाहिए, तो किलो की वैल्यू जाएगी 1000 साथ मीटर डिवाइड बाय और में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड, क्योंकि हमने और को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये 2020 से कैंसिल आउट, पीछे में बच जाएगा 960 डिवाइड बाय 36। तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 960 डिवाइड बाय 36 26.667 कर देते हैं राउंड ऑफ करके मीटर पर सेकेंड। अब जो हम वैल्यू यूज करेंगे ना वो 96 वाली यूज नहीं करेंगे बल्कि 26.67 वाली यूज करेंगे, ठीक हो गया। चलिए इसके ना एक ग्राफ बनाते हैं। गाड़ी मूव करती आ रही है, कोई सा उसने एक पॉइंट उठा लिया है, गाड़ी ट्रैप जब मूव कर रही है ना तो उसके दरमियान में से कोई सा एक पॉइंट उठा लिया, सपोज करते हैं वो पॉइंट हमारे पास ये है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए। यहां पर इसकी स्पीड है, मैं यहां पर 96 वाली यूज करता हूं क्योंकि इसको बोलना आसान है, 26.67 थोड़ा बोलना मुश्किल है। तो 96 इस पॉइंट पर है जी 96। अब जब पॉइंट ए पर देखते हैं उसकी स्पीड 96 आती है तो ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो जाती है, ब्रेक लगना शुरू हो जाती है, ब्रेक अप्लाई होना शुरू होती है। तो पॉइंट बी तक जब पहुंचती है ना, वो कहता है जब पॉइंट बी तक पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 48। अब एक और वेलोसिटी है वो जाती है जी 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम इनिशियल किसको कहेंगे, फाइनल किसको कहेंगे, ये हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो हम पहले वाली को इनिशियल क्या देते हैं, दूसरे वाली को हम फाइनल क्या देते हैं। तो इसको हम क्या देते हैं इनिशियल और इसको हम क्या देते हैं फाइनल, और फाइनल को हम कहते हैं जी 48। तो इसको 48 को भी हम कन्वर्ट करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। जब इसको हम सारे को कन्वर्ट करेंगे 2020 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.34 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक हो गया। वो और वो कहता है कि जब ए से बी तक पहुंचती है ना, ए पर है तो उसकी ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो जाती है और ए पर उसकी स्पीड होती है 96। जब ब्रेक लगाना शुरू हो जाती है तो बी पर हम देखते हैं तो बी पर जब पहुंचती है तो उसकी स्पीड रह जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। साथ में ये कहता है कि ए से बी तक जाते हुए वो जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन वो है 800 मीटर का, 800 मीटर का वो डिस्टेंस भी साथ कवर कर जाती है, लेकिन अभी बी तक वो स्टॉप नहीं हुई बल्कि वेलोसिटी कम हुई है। अब वो कह रहा है कि ब्रेक अभी अप्लाई हो रही है क्योंकि गाड़ी को हमें स्टॉप करना है। वो कह रहा है ब्रेक अप्लाई हो रही है, ब्रेक अप्लाई होते होते गाड़ी ना यहां पर आकर स्टॉप हो जाती है, इसको हम कहते हैं पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर गाड़ी स्टॉप हो जाती है तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये तो इनिशियल होगी, ये फाइनल होगी, ये कौन सी है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है बताएं बी से लेकर सी तक, देखिये ए से लेकर बी तक तो उसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। वो पूछ रहा है कि बताएं बी से सी तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बात समझाए क्या। चले जी आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुई होगी बात ये। अच्छा अगर वो तो चले ठीक है, यहाँ ए से बी तक 800 है, बी से सी का हमने डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वेलोसिटी को अगर हम देखें ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कौन सी होगी, तीसरी टैग हमने पढ़ी नहीं है। अच्छा इसको ना हम पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ये जरा गौर से देखिएगा। अगर हम बात करें ना सिर्फ ए से बी तक की, सिर्फ ए से बी तक बात करें, ये तो इनिशियल है ये फाइनल है, हमें बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें ना बी से सी, सिर्फ अगर हम बात बी से सी करें तो याद रखना है कि ये हमारी फिर हो जाएगी इनिशियल और ये हमारी हो जाएगी फिर फाइनल, ठीक है। अगर हम ए से बी तक बात करें ना फिर तो ये इनिशियल है ये फाइनल है। अगर सिर्फ बी से सी की बात करें ना, ए को छोड़ दें,
बी से सी पर आते हैं तो ये वाली वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल बन जाएगी और ये वाली वेलोसिटी हमारे पास फाइनल बन जाएगी। और अगर थर्ड सिचुएशन पे भी जाते हैं, अगर हम लेते हैं ए से लेकर डायरेक्ट सी तक, अब हम बी को छोड़ देते हैं, ए से डायरेक्ट सी पर जाते हैं दोनों का, तो ये हमारी इनिशियल होगी, ये हमारी फिर फाइनल हो जाएगी। बात समझाई? क्योंकि हमने दो पॉइंट कोई से भी लेने होते हैं, जो भी हम कोई दो पॉइंट लेंगे ना, तो पहला पॉइंट इनिशियल हो जाएगा, दूसरा पॉइंट फाइनल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, पहला इनिशियल दूसरा फाइनल। ये वाले दो पॉइंट लेते हैं, ये वाला इनिशियल हो जाएगा, ये वाला फाइनल हो जाएगा। ये दो पॉइंट लेते हैं तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। ये दो पॉइंट लेंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि हमारी इनिशियल कौन सी होगी और हमारी फाइनल कौन सी होगी। क्लियर होगी बात? चले अच्छा, अब वो कह रहा है जी टोटल डिस्टेंस बताएं बी से सी तक उसने कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है? हमारे पास डिस्टेंस के लिए तीन फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर थ्री और फॉर्मूला नंबर फोर। पहले टू पर आते हैं, टू में डिस्टेंस है, ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है। वी आई है, वी आई बिल्कुल है, ठीक है, वी हाफ ए, ए हमारे पास अभी नहीं है, चले ए हम निकाल भी लेंगे किसी तरीके से। टी टाइम, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं और निकाल भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं लगाएंगे। दूसरी फॉर्मूला नंबर थ्री पर आ जाए, अगेन एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस हमें निकालना है, फाइनल है, इनिशियल है, यूज कर सकते हैं। चले चौथा वाला फॉर्मूला देखते हैं, वी है, एस है, वो हमने मालूम करना, टी है, टी हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टी हमें टू में भी निकालना पड़ेगा, टी हमें फोर में भी निकालना पड़ेगा। अगर टू यूज करें तब भी टी निकालना पड़ेगा, अगर फोर यूज करें तब भी टी निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि फोर वाली ज्यादा आसान रहेगी, क्योंकि छोटी सी है कोई, तो फोर वाली ज्यादा आसान होगी, तो मुझे लगता है फोर वाली यूज करना चाहिए। क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं, फोर वाला फॉर्मूला यूज करें? चले फोर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मुझे आसान लग रहा है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास होगा रिक्वायर्ड और डिस्टेंस भी बता रहे हैं, डिस्टेंस भी बता रहा है जी, वो है जी 800 मीटर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है जी डिस्टेंस, मजीद फर्दर डिस्टेंस, फर्दर डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो हमें काम करते हैं ना, इसको S1 कह देते हैं, इसको हम S2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों मिक्सअप ना हो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला का हमने कौन सा नाम लिया, फॉर्मूला नंबर फोर वाला। तो हम फॉर्मूला नंबर फोर यूज करेंगे, V इज इक्वल टू एस बाई टी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन। चले मैं सोल्यूशन यहां पर करता हूं कि वह जगह काम है, ठीक है, यहां पर सोल्यूशन हम करते हैं इसका। चले जी हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू एस बाई टी, हमें S चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं T को इधर ले आए, तो बन जाएगा V मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू S, रीअरेंज करेंगे तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। एक चीज याद रखें, वेलोसिटी हम कौन सी यूज करेंगे, कंफ्यूजन है यार, वेलोसिटी V1 यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे, कौन सी वेलोसिटी यहाँ पर यूज करेंगे, नहीं समझ आ रही। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर हमने मालूम कौन सा करना है पोर्शन, ए से बी या बी से सी, बी से सी, ये वाला हमने पोर्शन मालूम करना है। अगर ये वाला पोर्शन मालूम करना है तो हम वेलोसिटी भी ये वाली यूज करेंगे, लेकिन यहां पर अगेन दो वेलोसिटीज आ रही हैं, एक 48 आ रही है, एक 0 आ रही है, तो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये वेलोसिटी ना, हम ये एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं। एवरेज क्यों? एवरेज का पता ना कि जब टू डिफरेंट क्वांटिटीज हो तो हम दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास टू डिफरेंट है, ये वाली वी आई वी एफ, यानी कि 48 और 0, तो हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, वी ए वी स्टैंड फॉर एवरेज, मल्टीप्लाई बाय टी, और एवरेज किसके इक्वल, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय टाइम, सॉरी डिवाइड बाय टू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक हो गया। तो वी एफ हमारे पास एवरेज हम दोनों का लेंगे ना, वी एफ और वी आई का, यहां पर हमारे पास जो वी एफ और वी आई, हम वो ये वाला काउंट करें, क्यों, क्योंकि हम पोर्शन बी सी का मालूम करना है डिस्टेंस, तो हम बी सी वाला ही वेलोसिटी लेंगे, वी आई और वी एफ की, ठीक है। वी आई हमारे पास तो हो गया 48 हो जाएगा, वी एफ कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर चले वैल्यू पुट करते हैं,
वी एफ हमारे पास है, वी आई बी है, टाइम टाइम नहीं है, कन्फ्यूजन अगेन वही गड़बड़ जो उनमें थी, तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। टाइम निकालने के लिए ना हम यही वाली इक्वेशन यूज करते हैं, यही वाली। कैसे? इसी इक्वेशन को दोबारा पकड़ लो, यही से पकड़ लो, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, बल्कि इसको ना ये वाली पकड़े, ये आसान है, ऑलरेडी कन्वर्ट है, ये पकड़ लेते हैं। अगेन यूज दिस इक्वेशन, ये आप साथ लिख लें, फॉर टाइम, टाइम के लिए इसी को हम दोबारा यूज करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस, तो हमने टी चाहिए, वी मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू, ओके ठीक है, एस, तो हम इसको यू करते हैं, इसको हम यहीं पर एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर एक बार सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखें टी निकालना है तो अगेन वही बात है कि वेलोसिटी हमारे पास टू वेलोसिटीज है, एक वी आई है, एक वी एफ है, हम वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे? तो यहां पर भी हम एवरेज वेलोसिटी ही लगाएंगे जो हमने पहले फॉर्मूला किया था। एवरेज वेलोसिटी कैसे लेंगे? अगेन वही वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस। हमें टी मालूम करना है, पहले इसको वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं, टी निकालना आसान हो जाएगा। वी एफ कितना है? वी, अच्छा अब हमने टी निकालना है तो डिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं ना वो यूज करेंगे ए बी वाला। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस हम यूज करेंगे ए बी वाला, तो ए बी वाला अगर डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो हमारे, तो अगर ए बी वाला डिस्टेंस यूज करेंगे तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी हम ए बी वाली ही यूज करेंगे। वी एफ कितना जी? वी एफ हमारे पास है जी 48, और 48 को हमने जो कन्वर्ट किया था वो 13.34। इसको मैं रीअरेंज भी इधर कर देता हूँ डायरेक्ट, एस इज इक्वल टू वी एफ, एस हमारे पास है जी, चलिए इसको कर दे 13.34 प्लस वी आई कितना जी? वी आई हमारे पास 96 है, उसको हमने कन्वर्ट किया था 26.67 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू एस, हमारे पास कितना जी 800, ये वाला ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 13.34 प्लस 26.67 डिवाइड बाय 2, ये जी 13.34 प्लस 26.67 ये आएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 20.005, तो 20.005 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 800, हमें टी चाहिए तो ये वाला मल्टीप्लाई उस तरह जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 800 डिवाइड बाय 20.005, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा जी 20, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 40, 80 डिवाइड बाय 20.005, तो ये आ जाएगा 3.99। एट हंड्रेड डिवाइड बाय 20.005 ये हमारे पास 39.99, इसको डिवाइड करने पर 39.99, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं जी 40 सेकेंड, ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, वरना ये 30.99 तो हम अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड ले लेते हैं। अब हमारे पास टाइम भी आ चुका 40 सेकेंड, अब हम इस टाइम को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो इसको कहते हैं पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू, अब हम एस कौन सा वाला निकाल रहे हैं? अब हम एस निकाल रहे हैं बीसी वाला, अगर हम एस अब बीसी वाला निकाल रहे हैं तो, अगर हम एस बीसी वाला निकाल रहे हैं तो जो वेलोसिटी अगर पुट करेंगे ना वो भी बीसी वाली पुट करेंगे, पहले हमने एस यूज किया था ए बी वाला, इसमें ये वाला ए बी वाला यूज किया था, तो वेलोसिटी भी हमने ए बी वाला यूज की थी, अब हम चूंकि हमने डिस्टेंस निकालना है बीसी वाला तो वेलोसिटी भी हम बीसी वाली यूज करेंगे, यानी कि ये वाली, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगी? ये वाली, और ये कितनी है जी? जीरो, जीरो प्लस वी आई, वी आई इसमें कौन सी होगी? ये वाली, और ये कितनी? 48, 48 को हमने कन्वर्ट क्या किया था? 48 को कन्वर्ट किया था जी 13.34, 13.34 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, टाइम कितना निकाला हमने?
40, तो s इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 13.34 को, 13.34 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ रहा 6.67, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ जाएगा 2668.8 मीटर। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, जो ट्रेवल करेगी ट्रेन बी से लेकर सी तक, वो आ जाएगा 266.8, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 266.8 मीटर। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें, ये हमारे पास होगा S2, ये हमारे पास होगा S1, टोटल निकालेंगे तो हमारे पास S हो जाएगा, और वो कैसे मालूम करें S1 प्लस S2, वो हमसे पूछा नहीं गया, इसलिए उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल था हमारे पास 2.9, थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज इजी है। नेक्स्ट हम करते हैं 2.10। अब जो 2.10 है ना, वो 2.9 का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम सिर्फ डाटा ऐसे लिखा रहने देते हैं, हम सिर्फ सॉल्यूशन को रेज करते हैं, क्योंकि जो 2.10 है वो 2.9 का नेक्स्ट पार्ट है, ये चीज याद रखें। 2.10 जो है ना, वो इसी का पार्ट है 2.10। अच्छा, अब 2.10 में वो ये पूछ रहा है कि बताएं इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन में वो कहता है अनुभव क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ठीक है, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक अप्लाई किस पॉइंट से हो रही है, ए से बी से सी से, ए से ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो रही है, अब वो कह रही है, और सी पर स्टॉप हो रही है, अब वो कह रहा है कि बताएं ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए गाड़ी को टोटल टाइम कितना लगेगा, सिर्फ वो टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, टाइम टू में भी है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि टू टाइम आ रहे हैं, दो बार टाइम आ रहा है, थ्री में तो है ही नहीं, फोर तो थोड़ा, वन में आ जाए, वन इजी रहेगा हमें हमें। तो हम करते हैं फॉर इक्वेशन, अब इसको भी हम चेंज करते हैं, डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, अब हमने टाइम मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि 2.10 है, अब मालूम करना है टाइम। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जी at प्लस vi इज इक्वल टू vf, t मालूम करना है, vi प्लस हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, at इज इक्वल टू प्लस है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, vi माइनस vf, और a मल्टीप्लाई रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाय a। वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन फिलोसफी कौन सी यूज करेंगे, क्वेश्चन ये है, ए से बी वाली या बी से सी वाली या ए से सी वाली, हम वेलोसिटी यूज करेंगे ए से सी वाली, क्यों, क्योंकि वो हमसे कह रहा है टाइम आप मालूम करना है ए से सी तक, तो हम वेलोसिटी भी ए से सी तक मालूम करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 96 और फाइनल क्या होगी 0, अगेन सिचुएशन चेंज हुई ना। चले जी vf vi vi, एक्सेलरेशन यार एक और प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन नहीं है, चले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इजी रहेगी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं फॉर एक्सेलरेशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो हमारे पास है जी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो हमें a चाहिए, तो a इज 2s मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2 S। लेकिन वही बात है कि S हमारे पास अगेन कौन सा यूज करेंगे S, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको और आसान बनाने के लिए हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला ना यूज कर लें, वो ठीक नहीं रहेगा अगर हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज करें, क्या ख्याल है, हम इस पर यूज करते हैं जी चले हम ये यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर, हमने a मालूम करना है, तो a इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर डिवाइड बाय 2s। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सेलरेशन मालूम करना, vf हमारे पास कितना होगा, vf हमारे, देखिए ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये इनफैक्ट है डी एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो रही है,
ठीक है। तो चले जी मालूम करते vf, vf हमारे पास कितना जी, vf vf हमारे पास है जी, हम vf लेंगे ये वाला, ठीक है। तो vf अगर हम ये वाला ले रहे हैं 48 ले रहे हैं 48, हाँ ठीक है, फाइनल हमारे पास ये है। तो 48 का जब कन्वर्ट किया तो क्या आया था, 40 को कन्वर्ट किया, 48 को कन्वर्ट 13.34, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 13.34 का स्क्वायर है माइनस वी आई हमारे पास कितना है, वी आई हमारे पास है दिस वन, और वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा हम ये वाली वेलोसिटी को यूज करें क्योंकि हम जो डिस्टेंस यूज करेंगे ना वो ये वाला यूज करेंगे। तो अगर हम ए बी वाला डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी हम ए बी वाला यूज करेंगे। वी आई हमारे पास है जी 96 आ रहा है दिस वन, 26.67 और इसका भी स्केयर डिवाइड बाय 2, और एस हमारे पास है 800 और ए इज इक्वल टू, चलें जिसको सॉल्व करते हैं 13.34 और इसका स्क्वायर हमारे पास है जी 177.95 माइनस 26.67 और इसका स्क्वायर है हमारे पास 711.28 डिवाइड बाय 1600। तो ए उस पर वाले को माइनस करेंगे तो 177.95 माइनस 711.28, तो ऊपर हमारे पास आ रहा जी माइनस 533.33 डिवाइड बाय 1600। तो ए हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 1600, तो यार हमारे पास 0.334 और ये माइनस में आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा। अब माइनस में क्या बता रहा है, माइनस में बता रहा है कि ब्रेक अप्लाई हो रही है, डीएक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो ब्रेक हमारी ए से ही अप्लाई होनी शुरू होती है, तो माइनस भी हमें वही बता रहा है। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर अभी हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। चलें जी अब हमने टोटल टाइम मालूम करना है, तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हम करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू vf हम अब हम क्योंकि अब हमने मालूम करना टोटल टाइम ये वाला, तो अब वेलोसिटी हम ये वाली यूज करेंगे। vf हमारे पास कितना जी 0 का स्क्वायर माइनस vi कितना हमारे पास ये वाला 96, इसको कन्वर्ट किया था 26.67 में, तो 26.67 और इसका फिर हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है a, एक्सेलरेशन ये है हमारे पास -0.334, तो टाइम इज इक्वल टू 0 का वो 0 हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो 26.  ये स्केयर नहीं है, इसमें स्केयर नहीं है, ये बाय मिस्टेक है, ये स्केयर नहीं है, तो इसको खोल करके लिखेंगे 26.67 डिवाइड बाय -0.334, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट और t इज इक्वल टू 26.67 डिवाइड बाय 0.334, ये आ रहा है हमारे पास 79.85, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 80 सेकेंड, तो ये भी आंसर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कर ले, ये भी आंसर ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम लगेगा गाड़ी को ए से सी तक पहुंचने के लिए वो 80 सेकेंड लगेगा, ठीक हो गया। तो 2.9 और 2.10 जो है वो दो पार्ट है, सिर्फ उसने अलग अलग किया। ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल 2.10 तक चैप्टर 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।